सीटू के बैनर तले सैकड़ों आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने आज विधानसभा के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने पंचायत भवन से विधानसभा तक रैली निकाली। इस दौरान पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, जिस पर पुलिस अधिकारी और सीपीएम कार्यकर्ता के बीच नोकझोंक भी हुई। सीपीएम महासचिव कश्मीर सिंह ने बताया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जब अपनी मांग को लेकर विधानसभा के बाहर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने आए हैं तो उन्हें रोका जा रहा है। पहले से ही विधानसभा के बाहर प्रदर्शन होता आया है, ऐसे में अब सरकार रोक रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश भर में आंगनबाड़ी वर्कर अपनी मांगों को लेकर ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने आए हैं। विस्तार से सुनिए क्या कहा कश्मीर सिंह, सीपीएस महासचिव ने। वर्कर केंद्र गुस्सा है और यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में आंगनबाड़ी जो केंद्र है उनको प्राइवेट किया जा रहा है, और वेदांता एक कंपनी है जो इंग्लैंड की कंपनी है, नाम हिंदुस्तानी है, उस कंपनी को नंद घर के नाम से जो है यह सरकार जो है प्राइवेट कर रही है, और उसका भी हम विरोध करते हैं। हमारा मांग ये है कि हरियाणा की तरफ 12,000 रुपया दो, दूसरा रेगुलर करो, जो इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस की रिकमेंडेशंस हैं कि इन वर्कर को रेगुलर किया जाएगा, इनको पेंशन दी जाएगी, आज तक जो है सरकार ने लागू नहीं की, हमारी मांग है उसको करो। और एक तरीके से सरकार जो है, जब हम देख रहे हैं कि बैंकों का प्राइवेटाइजेशन कर रही है, बीमा का प्राइवेटाइजेशन कर रही है, रेलवे का प्राइवेटाइजेशन कर रही है, हवाई अड्डों का प्राइवेटाइजेशन कर रही है, यह सरकार आंगनबाड़ी केंद्रों का भी निजीकरण करने जा रही है, जो वेदांता कंपनी को ले आए कुछ जिलों के अंदर, और इसी तरीके से जो है आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद करने का सरकार का मंशा है। आंगनबाड़ी केंद्र खुले थे, हमारे देश में कुपोषण है, कुपोषण को दूर करने के लिए, महिलाओं में बच्चों में कुपोषण को दूर करने के लिए ये आंगनबाड़ी केंद्र खुले थे 1975 में, और आज सरकार इन आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद करने की साजिश कर रही है, और सरकार महिला उत्थान के नारे लगाती है। और आज दुख की बात यह है, यहाँ महिला एसपी होने के बावजूद आज ऐसा महिलाओं के ऊपर कभी अत्याचार नहीं हुआ। ये महिलाएं चंबा से आई हैं, शिलाई से आई हैं, ऊना के गगड़ेर से आई हैं, अलग अलग जिलों से हजारों महिलाएं आज प्रदर्शन करने आई है, परंतु सरकार ने जिस तरह से उसका बेइज्जती की है, जिस तरह से उसका अपमान किया है, और जिस तरह से आंगनबाड़ी वर्कर को धक्के मारकर पीछे धकेलने का कोशिश किया है, हमने एश्योर किया था कि हम यहाँ शांतिपूर्ण तरीके से करेंगे, कोई वॉयलेशन नहीं होगा, पहले भी कभी नहीं हुआ है। हम मुख्यमंत्री से मिलेंगे, ज्ञापन देंगे और उनसे आग्रह करेंगे कि बजट सेशन है, इनका कुछ पैसा बढ़ा दो, हरियाणा की तर्ज पर कर दो। हिमाचल से जुड़ी अपडेट के लिए बने रहिए EWN 24 के साथ।